ये इतना मजेदार, फैंटास्टिक, अमेजिंग, मिराकुलस उपाय है। इससे पीसीओडी, मोटापा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, रुकी पीरियड्स है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को ये छूमन तक कर देगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अनुसार हमारे देश इंडिया में हर 10 में से एक वुमेन ऐसी हैं, स्पेशली 15 साल से लेकर 35 साल के उम्र के बीच में, जिनको कि इस तरह के हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में इंडिया में अगर कहा जाए तो वुमेन्स में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इस प्रॉब्लम का नाम है पीसीओडी। आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है, मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे घरेलू और आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आप कि आज से 30 साल पहले तो कॉमन नहीं था, आज इतना कॉमन बड़ा प्रॉब्लम क्यों हो गया है? भागदौड़ की जिंदगी में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने की चाहत, उसके साथ पढ़ाई का प्रेशर, कमाई का प्रेशर, ये सब प्रेशर मिलकर कहीं ना कहीं आज के टाइम में वुमेन्स के जिंदगी में हवा क्रिएट कर रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है, यंग जनरेशन, मतलब पीवीटी के टाइम से लेकर के और 35 इवन 40 के लेडीजों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम लेकिन 13 साल से लेकर 19 साल के बच्चियों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो उनका बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है जब पीरियड शुरू होता है और उसकी रेगुलेशन स्टार्ट होती है। ऐसे टाइम में हमारे बॉडी के अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर से ही एग रिलीज होते हैं, लेकिन वो जो फॉलिकल है जिसके अंदर एग होता है, वो फॉलिकल अगर प्रॉपर मच्योर नहीं होता है, टाइम से मच्योर नहीं होता है, इमेच्योर रह जाता है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब ये वो जो फॉलिकल है, वो फॉलिकल इमेच्योर क्यों रह जाता, तो जो हमारे बॉडी में वुमेन हार्मोन है, जैसे कि इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये सब वुमेन हार्मोन होते हैं, ये वुमेन हार्मोन जो है पूरी तरीके से फिर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये जब नीचे चला जाता है तो हमारे बॉडी का जो मेल हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन और भी मेल हार्मोन है, वो अपग्रेड हो जाते हैं, वो अपग्रेड होते हैं तो वो फंक्शन ओवरपावर कर जाते हैं, और ओवरपावर करने की वजह से मेल का फंक्शन ज्यादा बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है, जिसके वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारी गर्ल्स में डिप्रेशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, एक्सेसिव ओबेसिटी आ जाती है, चिन में बाल आ जाते हैं, फोरहेड में उनके बाल आ जाते हैं, उनके जो स्टमक है, स्टमक के लोअर पार्ट में, पेल्विक एरिया में उनके बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, उसके साथ साथ मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, थकावट बहुत ज्यादा लगती है। और ये जो फॉलिकल इमेच्योर हुई, इमेच्योर के होने के कारण क्या है, तो पहला कारण तो हेरिडिटी होता है, दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं सारी के सारी चीजों में मिलावट है। आज के टाइम में आप दूध भी नहीं कह सकते हैं कि प्योर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भर भर के पेस्टिसाइड्स होता है, जो कि आपके बॉडी के हार्मोन को इम्बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, और इन सब के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा कारण होता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम। इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम, हमें सिर्फ शुगर होता है तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, शुगर होने से पहले भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्ट होती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी का सेल है वो इंसुलिन को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाती, यूटिलाइज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे लोगों में फिर ओबेसिटी बढ़ने लगती है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। 60% तकरीबन लोग ऐसे हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अब हम रेमेडी की बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हमें अपनी जिंदगी में चेंज करने की क्या जरूरत है। कुछ आसन हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। 4 आसन इसमें ऐसे हैं जो हर 5 मिनट आपको एवरीडे सुबह और शाम को करना चाहिए, जिसमें कि एक आसन है जिसको कि तितली आसन कहते हैं। तितली आसन के भी 2 पोज होते हैं, एक ये पोज होता है जिसमें कि आप सीटिंग में बैठते हो इस तरह से और दोनों पांव को जोड़ते हो, और फिर आप तितली के तरह आप दोनों पांव को हिलाते हो। ये आपको कम से कम 500-600 गिनने तक, मतलब कि 2 से 2.5 मिनट आपको हर रोज ये करना चाहिए। उसके बाद एक ये पोज होती है जिसमें कि आप इस तरह से पहले सीधा लेट जाते हैं, लेटने के बाद पहले राइट लेग को फोल्ड करते हैं, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हैं, दोनों लेग के तलवों को जितना नियर बाय आप अपने नितंब ला सकते हैं उतना नियर बाय लेकर आए, फिर दोनों पांव को जोड़ें, दोनों हाथ आपका एकदम सीधा हो, और इसी कंडीशन में आप कम से कम 50 तक काउंट करके लेटे रहें। अगर 50 तक काउंट करके लेटना संभव नहीं है तो आप दोनों पांव के नीचे कोई कुशन या तकिया भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है,
कि लेटे लेटे भी दोनों पांव को तितली के तरह आपको हिलाना है। कितना हिलाना है, स्टार्ट करना है 50, 60, 70, 100 तक काउंट तक आपको ले जाना है और इस क्रिया को दोहराना है 3 बार। उसके बाद एक पोज है जिसमें कि आपके लोअर पोर्शन को बहुत ज्यादा एक्सटेंशन मिलता है, जिसको कि उस्तांग पादांगुष्ठासन कहते हैं। इसमें हम अपने अंगूठे को अपने हाथ से पकड़ते हैं, दूसरा पैर जमीन पे बिल्कुल सीधा होता है। अंगूठे को पकड़कर पहले राइट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को पकड़ेंगे, फिर उसको एकदम स्ट्रेच करेंगे आर्क के शेप में, मतलब कि हमारे पांव के जो सारे उंगलियां हैं वो हमारे फेस के तरफ टच होंगे और जो हमारा हील है वो एरी जो है हमारी वो ऊपर आसमान के तरफ होगी, छत की तरफ होगी। और फिर इसी कंडीशन में आप जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। ले जाने के बाद थोड़े दिनों तक 20 काउंट कीजिए, फिर उसको सीधा कीजिए और फिर धीरे से नीचे रखिए। सेम लेफ्ट के साथ करना है, हमेशा उंगलियां आपके चेहरे के तरफ नीचे की तरफ होंगी, एरी जो है वो ऊपर छत की तरफ होगा। इस तरह से एक्सटेंशन आपके पेल्विक एरिया को लोअर अब्डोमेन को मिलती है, जिससे खिंचाव होती है, एस्ट्रोजन एक्टिवेट होता है और आपके बॉडी का टॉक्सिन जो है वो रिलीज होने में आसानी होती है। फिर जिन लोगों का पीरियड्स वगैरह रुका हुआ होता है उन लोगों के पीरियड्स वगैरह बहुत ज्यादा रेगुलेट हो जाते हैं, एक्सटर्नल जो फैट इकट्ठा है वो फैट रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हम लेफ्ट को जाएंगे, लेफ्ट में भी 20 काउंट करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, रुकने के बाद फिर पाँव को सीधा लाएंगे, पाँव को नीचे लाएंगे मोड़ कर फिर सीधा करेंगे, 30 सेकेंड काउंट करेंगे। उसके बाद यही क्रिया दूसरी बार करेंगे और यही क्रिया तीसरी बार करेंगे। ये 3 ऐसे एक्सरसाइज हैं, कितना भी पुराना आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इवन पीसीओएस तो भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को आप देखोगे कि 15 से 20 दिनों में ड्रास्टिक आपके पेल्विक एरिया में आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, फैट रिडक्शन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, टमी पे जो बहुत इंटरनल फैट इकट्ठा है वो भी हटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सब लोगों को क्या करना है कि ये जो हमारे हाथ हैं, इस हाथ के आप देखोगे कि नीचे के ये वाले जो पार्ट जितने ये पार्ट हैं, इन सारी 5 उंगलियों के और 10 उंगलियों के दोनों के आपको इस पार्ट को हर रोज बैठे बैठे चाहे टीवी देखते हुए आपने इसको दो दो चार चार बार यहां से दबाना है। ये क्या करता है कि टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करता है। इस तरह से आपने दबाना है यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जहां से उंगली हमारी जुड़ी हुई है, हमारी जो ये हथेली है यहां से जो उंगलियां दबी हुई है, ये जो लाइंस है इस लाइंस पे आपको दोनों उंगलियों में ऐसे दबाना है। अब खाने पीने की मैं बात कर लूं तो आपको मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं कि आपको नारियल तेल लेना है, कोकोनट ऑयल, लेकिन यहाँ पे आपको कोल्ड प्रेस्ड नारियल तेल नहीं लेना, आपको वुड प्रेस्ड नारियल तेल लेना है। अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगी, आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, कहीं भी अवेलेबल है। वुड प्रेस्ड का मतलब ये होता है कि मशीन के द्वारा नहीं, नेचुरल तरीके से इस कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 2 चम्मच हर सुबह उठते ही ये नारियल का तेल पी लेना है और इसके ऊपर से 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लेना है। गुनगुना पानी भी कैसा होना चाहिए, 1 दिन जीरा का पानी होना चाहिए और 1 दिन मेथी का पानी होना चाहिए, मतलब कि 1 चम्मच जीरा को रात में 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको बॉयल नहीं करना, हल्का गुनगुना करना है और छान कर वो पानी पी लेना है। इसी तरह से मेथी का करना है, छान कर वो पानी पी लेना है। ये कितने दिनों तक करना है, कम से कम 90 दिनों तक आपको लेना चाहिए। कहते हैं कि जब हम अच्छा फैट बॉडी में डालते हैं तो वो बुरे फैट को काट कर निकाल देता है, एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है प्रोटीन और फैट से बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, तो इसलिए ये फैट आपको हेल्प करेगा। कि आप सोया खाएं, उसके साथ ब्रोकली आपको बहुत ज्यादा, कैबेज हो गया, गोभी हो गया, ये सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल करें, प्रोटीन आप खाएं, लेकिन आप प्लांट प्रोटीन खाएं। पीसीओडी या थायराइड से मुक्ति चाहते हैं तो डेयरी को टोटली बंद कर दीजिए। डेयरी के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बाकी हार्मोन को ट्रिगर करते हैं, फीमेल हार्मोन को नीचे ले जाते हैं, मेल हार्मोन को ऊपर कर देते हैं। आप 3 महीने तक कोशिश करें कि रोज अगर अफोर्डेबिलिटी है तो नारियल पानी पिए। दूसरी चीज ये कि अपने डाइट में सीड्स को, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स,
ये चार तरह के सीड्स और एक आता है हलीम जिसको कि ऑलिव कहते हैं, उसका थोड़ा सा एक चुटकी सा। इन पांचों सीड्स को आप रात में भिगो दें, सुबह आप इस सीड्स को पानी निकालकर आप इसको लीजिए। उसके साथ साथ आपको अपने डाइट में वॉलनट, बादाम और पिस्ताचियो को ऐड कीजिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन जूस पीजिए। तो अब रेमेडी में आपको क्या सामग्री लेना है पहले हम ये ठीक से देख लेते हैं। पहली सामग्री जो हमें लेनी है वो दिल सीड, जिसको कि सतपुष्पा भी कहते हैं। दिल सीड इस तरह का जीरे के फॉर्म में ये आपको मिलेगा, ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे सब जगह मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उससे बाय कर सकते हैं। तो ये दिल सीड या सतपुष्पा को लेकर इसको मिक्सी में पीसकर आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। तो ये सतपुष्पा या दिल सीड का पाउडर चाहिए हमें 2 चम्मच, दालचीनी का पाउडर भी हमें चाहिए 2 चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर चाहिए 2 चम्मच, गिलोय का पाउडर चाहिए 2 चम्मच, सतावरी का पाउडर चाहिए 2 चम्मच, ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर चाहिए 2 चम्मच। इसके साथ आपको चाहिए होगा एलोवेरा का ऑर्गेनिक जूस और त्रिफला का भी चूर्ण। लेने का तरीका बड़ा ही ट्रिकी है इसको और बनाने का भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको ठीक से समझ लीजिए और ठीक तरीके से ही इसको लेना भी है, क्योंकि गलत तरीके से अगर आप लोगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा जितना रिजल्ट आपको आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इन सारी चीजों को मिक्स करके पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आपको डब्बे में भर के रख लेना है, बनाना तो इसको बहुत आसान है। उसके बाद अब क्या करना है आपको कि एक दिन आपको लेना है इसको एलोवेरा जूस के साथ आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात में, और एक दिन आपको लेना है इसको त्रिफला का बनाना है क्वाथ। क्वाथ बनाने के लिए क्या करना है कि 1 कप बॉइल्ड एकदम उबलता हुआ पानी लीजिए, उस पानी के अंदर में ये छोटी चम्मच से 1 चम्मच त्रिफला डाल दीजिए, डालकर 5 मिनट ढककर छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद इसको छान लीजिए और छानने के बाद इस पानी के साथ आपको ये आधा चम्मच ये पाउडर दिन में और सेम ये पाउडर आपको रात में भी लेना है। समझ में आ गया कि एक दिन आपको लेना है त्रिफला के क्वाथ के साथ और एक दिन आपको लेना है एलोवेरा जूस के साथ। और ये कितने दिनों तक लेना है, कम से कम आपको 3 महीने तक लेना है। आपको दिखने लगेगा 15 दिनों में सिर्फ फर्क। बॉडी वेट आपका कितना जाएगा, 6 से 8 किलो आप बॉडी का वेट भी इससे रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का अमेजिंग मिराकुलस उपाय। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे चैनल में कुछ चेंजेज होने चाहिए, कुछ नया देखना आप चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फीडबैक मुझे दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू।